ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 5 नवंबर 2018 सोमवार का दिन है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। धनतेरस का महापर्व रहेगा जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में नया सामान खरीद करके लाते हैं और शाम के समय माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमदेव का पूजन अर्चन करके उनकी आराधना और पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कोई भी सामान यदि हम खरीदते हैं तो वह चिरस्थायी और अमृत के समान फल देने वाला साबित होता है। इस दिन प्रदोष महापर्व भी रहेगा। सोम प्रदोष का महापर्व लगभग 100 वर्ष के बाद में धनतेरस के दिन निर्मित हो रहा है और ये महासंयोग जो है विशेष फलदायी सिद्ध होगा। हस्त नक्षत्र रहेगा। कन्या राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल जो कि पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना इस दिन हानिकारक माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव तुला राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु भी वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, कन्या और धनु इन 5 राशि वालों को बड़ा फायदा होगा। ये 5 राशियां मालामाल होगी। धन लाभ का इनके लिए उत्तम संयोग बना हुआ है। रुका हुआ पैसा इनको प्राप्त हो सकता है या जो पुराना निवेश इनके द्वारा किया गया था उसमें भी इनको लाभ का उत्तम संयोग निर्मित हो रहा है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।